हाँ जी, तो अपने मोनो वाले माइक को टक्कर देने, तो आज अपने पास में है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से एंटी स्पोर्ट्स वेंटे 220 गेमिंग माइक्रोफोन है आरजीबी के साथ, आरजीबी गेमिंग मिक्स मैच, समझ गए ना, पुराने वीडियोस देखे वो समझ जाएंगे। एंड आपको भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियोस आएंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज अपने पास में ये गेमिंग माइक्रोफोन एक कार्डियोड पोलर पैटर्न वाला माइक्रोफोन है, एक साइड से रिकॉर्ड करता है एंड डेक्स गेमिंग सेटअप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको मैट ब्लैक फिनिश में। खोल लेते हैं डब्बा फटाफट। ओके सो ये अपना माइक सबसे पहले एंड एकदम फ्रेश पीस है, अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा है तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। वेल, एक टाइप सी टू टाइप ए वाली केबल है इनपुट के लिए, ये अपना माइक। वेल सो कुछ ये निकल के आ जाता है अपना माइक, एक ये यूजर एंड ये वारंटी वाला कार्ड एंड कुछ एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से मीठी मीठी बातें। हाँ, तो कुछ इतना सा भी सामान था डब्बे के अंदर, अब माइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइक का स्ट्रक्चर एज ऑफ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा एंड नीचे की तरफ से ये पूरा जो डिज़ाइन है ये एक प्लास्टिक सी फीलिंग दे रहा है, बट कंपनी क्लेम्ड मेटल है, ऊपर की तरफ मेटल थोड़ा लगता है पर वो है नहीं, एक्चुअली पूरा हार्ड प्लास्टिक का बिल्ड है। एंड बाकी एज ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो डेस्क सेटअप के हिसाब से स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, डिज़ाइन वाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये जो इसकी आरजीबी है, जो इसका ये ब्रीदिंग इफेक्ट है आरजीबी का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। नहीं, चेंजेबल भी है, वो स्पेक सेक्शन में बात करेंगे, बाकी डिज़ाइन एज ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक ड्रॉबैक इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आप बूम नहीं लगा सकते एंड उसके बिना देखो माइक को डेस्क सेटअप में रखने में मज़ा नहीं आता, बट ये ब्लू येती जैसी फीलिंग देता है आपको। एंड उससे इसको कंपेयर क्यों किया, क्योंकि ये ब्लू येती जैसा कुछ डिज़ाइन इसके अंदर दिया हुआ है एंड नीचे की तरफ पे रबर वाला मटीरियल है जिससे आपका डेस्क है, पर चलो माउस पैड भी ज़्यादातर लोग रखते हैं बट जिनके पास माउस पैड नहीं है वो नीचे से इसको ख़राब नहीं होने देगा, इसका जो मेटल या प्लास्टिक जो भी है मटीरियल इसका प्लास्टिक का वो ख़राब नहीं होगा। तो इसका जो साइड वाला पार्ट है वो निकाल के आप इसको जुगाड़ बिठा के अगर बिठाना चाहो तो इसको बूमाम में लगा सकते हो, बाकी एज ऑफ माइक का स्ट्रक्चर खराब नहीं करना है तो मत लगाना, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे माइक, फिर इसका जो लुक है मैट फिनिश वाला वो निकल जाएगा। एंड इसमें कलर ऑप्शंस भी नहीं आते हैं, ये एक सिंपल एक ब्लैक मैट ब्लैक फिनिश में आता है और कुछ नहीं। एंड डेस्क से कुछ इतना ज़्यादा भी ऊपर नहीं है जितना, मतलब थोड़ा सा इसका हाइट थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, कार्डियोड माइक है पोलर पैटर्न वाला, सामने से वॉइस को रिकॉर्ड करेगा एकदम ऐसे, सामने से जो भी वॉइस आएगी उनको रिकॉर्ड करेगा, पीछे वाली वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स जो भी है। अब इसके पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है वो इसके इनपुट के लिए। एंड हाँ, आप इसमें क्या बोल रहे हो, कैसा कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, उसके लिए 3.5 mm वाला दिया हुआ है, उससे आप अपना हेडफोन कनेक्ट करके जो 3.5 mm वाला या OTG के थ्रू कनेक्ट करके इसमें चेक कर सकते हो कि आपका जो वॉइस है वो आपको कैसे कैसे सुनाई दे रहा है। अब एक क्विक माइक टेस्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, ऊपर की तरफ ये आपको एक बटन मिलता है, इसको आप टैप करोगे तो माइक म्यूट हो जाएगा, वो आप नीचे से भी कर सकते हो, माइक वाला जो सेक्शन है उधर से आप उसको प्रेस करके मैनुअली भी कर सकते हो अगर ऊपर नहीं करना है, है ना, जुगाड़ बैठा के ऊपर ये वाला जो विंड मॉप है वो भी ऊपर लगा सकते हो, फिर वो टच वाला जो फीचर है वो इसमें काम नहीं करेगा, नीचे से फिर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। फटाफट से एक क्विक माइक टेस्ट कर लेते हैं, आइडिया आ जाएगा इसका, ये वाले माइक में और इसमें फ़र्क पता चल जाएगा। ये 4000 का है एंड ये कुछ 2400 का है, तो डिफरेंस एक की वीडियो में दस, मिक्स मैच मल्टी टैलेंटेड, वेल डन। हाँ, तो वही सेम पेस में बोल रहा हूँ, वही सब डिस्टेंस सेम है एंड इसके अंदर थोड़े फीचर भी है, जैसे ये LED है, अब आपको कुछ आइडिया होगा एंड LED को अपन इधर से चेंज भी कर सकते हैं। ये जो वीरे वाला बटन का फंक्शन मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा, वो भी बता देते हैं ताकि इसके माइक का थोड़ा बढ़िया आइडिया आपको आ जाए। एंड हाँ, एक और फीचर है इसका, जो ये माइक है इसके ऊपर वाला बटन दबाओगे तो ये, एंड वही इसको वापस प्रेस किया तो ये अनम्यूट हो गया। एंड इसको आप इधर माइक बटन से भी कर सकते हो, उसको प्रेस करोगे एंड ये चीज़ नीचे, ये जो LED के नीचे बटन है इसको दबाओगे, मतलब ये माइक वाला, इससे भी आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, इसको वापस प्रेस करो तो ये अनम्यूट हो जाएगा, इफेक्ट हमेशा दिखना चाहिए ना। तो बस यही चीज़ थी एंड बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ बताने जैसा कुछ नहीं है, माइक के अंदर और क्या ही जानोगे। एंड अब थोड़ा कार्यक्रम मनोरंजन वाली चीज़ें हो जाए, इसका जो एक स्पेशल इफेक्ट वाला फीचर है वो आपको दिखा देता हूँ। तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका कुंभ के मेले में, ये कुछ इसका मनोरंजन वाला कार्यक्रम भी है इसके अंदर में, तो कुछ मस्ती मजाक करना हो स्ट्रीम के बीच में तो कुछ इससे कर सकते हो,
बाकी अपन तो मस्ती मजाक वाले इतने आदमी है नहीं, तो बस ये था इसका कुछ फाइनल रिव्यू। नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको ये माइक कैसा लगा, एंड इसका ये जो एको वाला फीचर है, चलते माइक में आप एको डाल सकते हो तो स्ट्रीम के बीच में थोड़ा कॉमेडी एंड अट्रैक्टिवनेस आ जाएगा आपकी स्ट्रीम में। एंड 2450 रुपये का कुछ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजोन की, परचेस करना हो तो वहाँ से कर सकते हो। मुझे एक चीज़ इसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगी, कार्डियो माइक है, थोड़ा इसका वॉइस क्लियरिटी में मुझे फ़र्क लगा, थोड़ा कम कैच करता है, बट वो आप माइक को गेन करके इसको सेटअप कर सकते हो। बाकी कुछ 2450 का ये 2000 के अंदर मिल जाना चाहिए था, उस रेंज में मार्केट में आजकल माइक चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ओवर बजट लग गया, बट ठीक है, LED डाला है इसके अंदर, थोड़े बहुत फीचर्स और डाले हैं तो उस हिसाब से उधर थोड़ा कवरेज हो गया होगा। एंड बाकी सी टाइप है तो वायर वायर टूट जाए घूम जाए तो घर में और भी वायर्स हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी यही था इसका कुछ फाइनल रिव्यू, आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये कैसा लगा। बाकी देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना जो एको इफेक्ट है वो अपन प्रीमियर में नहीं इधर ही डालेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ एंड बाय बाय।